एस स्वाद एक नई वीडियो में आज की हम तानने वाली डायल पैटर्न उनको इनेबल डिसेबल कैसे करें, टर्न ऑन ऑफ कैसे करें। और फ्रेंड्स मेरे पास है माइस क्रो मैक, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर पहले आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग का ओपन करना है, सेटिंग पर जाने तो आपको साउंड पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपने ये दिखता है ये वाला ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी सेटिंग दिखेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं डायल पैटर्न वगैरह, तो इसको आपको यहाँ से डिसेबल करते हैं, इसी प्रकार से मतलब कि इसे ऑन कर सकते हैं, टर्न ऑन ऑफ करते हैं, इनेबल डिसेबल यहीं से करते हैं इसे। जब इस प्रकार करेंगे तो आपका कलर में आ गया, या मतलब कि आपका ये ऑन हो चुका है। इस प्रकार करेंगे तो आपको ये ऑफ हो चुका है, डिसेबल हो चुका है, ये इनेबल हो चुका है, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी के नीचे आपको दिखता है टच साउंड, इसे भी आप मतलब कि इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जब इसे ऑन करते हैं, जब भी आप किसी को टच करेंगे तो आपका ये वाइब्रेट होगा, देख सकते हैं किस प्रकार से वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे देखता है टच वाइब्रेशन, आप इसे भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से इन दोनों का भी इनेबल और डिसेबल करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सीखी चुकी की डायल पैटर्न को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं, तो आप इसी प्रकार से डायल पैटर्न को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए नमस्कार।